तो हेलो माय रेडर फैमिली। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 2 लाख रुपए है और आप 2023 में 2 लाख के प्राइस पॉइंट पर आने वाली बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक की तलाश में है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की top 3 सेलिंग बाइक के बारे में बताने वाला हूं, जो इंडिया में सबसे ज्यादा सेल की जाती है, और ये तीनों ही बाइक आपको इंडिया में मात्र 2 लाख के प्राइस पॉइंट पर इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगी। मैं आपको ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको मात्र 3 ऐसी बाइकों के बारे में बताऊंगा जो अभी टॉप पर चल रही है, और आप इन तीनों ही बाइक में से किसी भी बाइक को आंख बंद कर परचेज कर सकते हैं। ये तीनों ही बाइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं वो तीनों ही बाइक कौन सी होने वाली हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जो बाइक नंबर 3 की पोजीशन पर आती है, वह एक रेट्रो सेगमेंट में आने वाली बाइक है। मैं बात कर रहा हूं टीवीएस की तरफ से आने वाली रोनिन 225 के बारे में। इस बाइक ने इंडिया में लॉन्च होने के साथ ही इंडिया में आग लगा दी थी, क्योंकि दोस्तों इस बाइक के लुक को यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए इस बाइक के लुक को डिजाइन किया गया था। बाइक के जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बाइक के फ्रंट में आपको राउंड एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, और बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको एलईडी में देखने के लिए मिल जाएंगे, और बाइक के रियर में आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एलईडी टेल लाइट भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 225cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 बॉल वैसो SC इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.4 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 19.93 न्यूटन मीटर की। अगर हम बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको मात्र 1,49,000 के एक्स शोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप भी एक ऐसी ही रेट्रो बाइक की तलाश में थे जो आपको मात्र 2 लाख के प्राइस पॉइंट पर इंडिया में देखने के लिए मिल जाए, तो आप डेफिनेटली इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम नंबर 2 की पोजीशन पर आने वाली बाइक के बारे में बात करें तो वह है होंडा की हॉर्नेट 2.0। यह एक नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक है, जिसके जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक है। अगर हम इस बाइक के फ्रंट सेक्शन के बारे में बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, और बाइक में आपको एलईडी इंडिकेटर का सेटअप भी देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के रियर में आपको बहुत ही खूबसूरत एलईडी टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी, और बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 184cc का 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व BSVI इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.26 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 16 न्यूटन मीटर की। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको मात्र 1,37,000 के एक्स शोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो ये बाइक भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आप इस बाइक को भी आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम नंबर 1 की पोजीशन पर आने वाली बाइक के बारे में बात करें तो वो सेगमेंट की टॉप बाइक में से एक है, जो लुक के मामले में, पावर के मामले में और बिल्ड क्वालिटी के मामले में जबरदस्त बाइक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बजाज की डोमिनार 250 के बारे में। दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बाइक है। इस बाइक के जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा आपको नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिल जाएंगे। इस बाइक के फ्रंट में आपको बहुत ही खूबसूरत एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, और बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको एलईडी में देखने के लिए मिल जाएंगे। बाइक के रियर में आपको बहुत ही खूबसूरत एलईडी टेल लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, और बाइक में आपको बहुत ही खूबसूरत डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 248.7cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व लिक्विड कूल इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 27 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 23 न्यूटन मीटर की। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको मात्र 1,82,000 के एक्स शोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको 2 लाख के प्राइस पॉइंट में एक पावरफुल बाइक चाहिए तो आप इस बाइक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन तीनों ही बाइक में से कौन सी बाइक सबसे ज्यादा बढ़िया लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर।